तो दोस्तों आप सभी एक बात जानते हो कि जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो धीरे धीरे करके उसका समूल विनाश होना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा ही इस समय चीन के साथ भी हो रहा है। दरअसल चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया भर के गरीब देशों को लोन बांट कर उन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, और चीन की तरफ से भारत के POK से होते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC को बनाया गया है, जिसका भारत ने कई बार विरोध भी किया है क्योंकि यह भारत के POK से होकर गुजरता है, पर इसके बावजूद भी चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है। परंतु दोस्तों चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर अब BLA आर्मी की तरफ से चीन को सीधी चेतावनी देखने को मिल गई है, जिसमें BLA के कमांडर ने चीन को साफ धमकी दी है कि चाइना बलूचिस्तान से दूरी बनाकर रखे, अन्यथा चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इससे पहले लगभग एक महीने पहले जब चाइना के नागरिकों के ऊपर हमला हुआ था तो BLA ने चीन से साफ कह दिया था कि मात्र 90 दिन है तुम्हारे पास, बलूचिस्तान को खाली कर दो, अन्यथा तुम्हारा जो हाल होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और अब की बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर हैं उन्होंने खुद कहा है कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश रहा है इतिहास में, पर पाकिस्तानी सेना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है और बलूचिस्तान के संसाधनों को चुराकर दूसरे देश खास करके चीन को बेचा जा रहा है, और पाकिस्तान हमारे संसाधनों को दूसरे देशों को बेचकर खूब सारा पैसा कमा रहा है। इसलिए हम चाइना को यह बात साफ बता देना चाहते हैं कि चाइना बलूचिस्तान से दूर रहे, अन्यथा फिर इसका जो अंजाम चीन को भुगतना पड़ेगा वो दुनिया याद रखेगी। पर आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय हो, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल के क्या सही कदम उठाया है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में। फिर आप देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।